हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त शफीउल्लाह खान। तो आज जो है काफ़ी दिनों के बाद, यानी कि सऊदी से आने के बाद लगभग एक महीना बीतने के बाद जो है, मैं आज मेरी फैमिली के साथ जो है बिरयानी प्रिपेयर करने में लगा हुआ हूं। तो चलिए इस वीडियो को शेयर करता हूं और आपको भी दिखाता हूं कि बिरयानी का प्रिपरेशन कैसे कैसे हो रहा है हमारे घर पर। तो बने रहिए और देखते रहिए। तो हमने जो है ऑलरेडी जो है प्याज को जो है तेल में फ्राई करने के लिए रख दिया है, और ये रहे चावल जो कि बिरयानी में डालने वाले हैं। और इसके साथ में आप देख सकते हैं कटा हुआ टमाटर और थोड़ा धनिया पत्ता, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कसूरी मेथी, हरी मिर्च, धनिया पत्ता और पुदीना। और इसके साथ साथ इधर रखा हुआ है थोड़ा सा क्यूकम्बर कंकड़ी काटने के लिए, और ये रहा मटन। तो आज हम बना रहे हैं मटन बिरयानी, और ये आइटम जो है चटनी के लिए है। इसमें सिर्फ दही मिलाना बाकी है, दही और नमक मिलाना बाकी है। तो हमने जो है प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ता ये सब काट के रख लिया है ऑलरेडी। प्याज अभी जो है फ्राई हो रही है, और आज की हमारी बिरयानी जो है बासमती चावल की है। तो हम जो है बासमती चावल, इसके साथ साथ में जो है बीटी चावल, ये दोनों मिक्स करके बिरयानी तैयार कर रहे हैं। बिरयानी के लिए जो है हमने ऑलरेडी जो है तेल में जो है फ्राई होने के लिए प्याज के साथ साथ हरी मिर्च, गरम मसाला यानी कि लौंग, इलायची और चकला डाल दिया है, और तेज़पत्ता भी ऐड कर दिया है। तो अभी ये गोल्डन ब्राउन होने तक जो है हम इसका इंतज़ार करेंगे। और ये रहा हमारा आज के लिए मटन। तो हम बना रहे हैं मटन बिरयानी। अभी हम ऐड कर रहे हैं तेज़पत्ता, माफ़ करना, कसूरी मेथी, हरी धनिया पत्ता, पुदीना, हरी मिर्च जो कटा हुआ था, ये सब हम ऐड कर रहे हैं। अभी हम ऐड कर रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। और ये रहा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक। और इन सबको जो है बिरयानी के प्रिपरेशन में हमने ऐड कर दिया है। तो अभी ऐड कर रहे हैं गोश्त को, यानी कि मटन। तो ये जो है हमने ऐड कर दिया है मटन। अभी इसे अच्छी तरह से जो है मिक्स करना पड़ेगा। ताकि मसाले में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके साथ में थोड़ा फूड कलर ऐड कर दीजिए ताकि आपकी बिरयानी को थोड़ा कलर आ जाए। इसको ऐड कर दिया है, और अभी मेरी थोड़ी महारत इस्तेमाल करने जा रहा हूँ इस गोश्त को जो है, मटन को जो है मसाले में मिलाने के लिए। तो अभी हम जो है टमाटर, कटे हुए टमाटर में जो है थोड़ा बहुत जो है नींबू मैच करके, यानी कि उसका रस जो है टमाटर में मिला रहे हैं। तो अभी वक्त है कटे हुए टमाटर को ऐड करने का हमारी पानी में। अभी टमाटर ऐड कर दिया है, और अभी जो है टमाटर और मटन को अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर रहे हैं। और ये रहा दही जो कि हम बिरयानी के मसाले में ऐड करने वाले हैं। ये हमने ऐड कर दिया है, और अभी इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि हमारे मसाले के साथ और हमारे मटन के साथ दही अच्छी तरह से जो है मिक्स हो जाए। अब हमने हमारा सारा मसाले का आइटम जो है ऐड कर दिया है। तो अब बारी है इस कुकर को बंद करने की। तो हमने अभी कुकर को बंद कर दिया है ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह गल जाए। तो गलने के बाद जो है आई थिंक हम एटलीस्ट
चार या पांच सीटी का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद जो है गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा। तो अभी जो है हमने बड़ा सा बर्तन ले लिया है, क्योंकि हम जो है बनाने जा रहे हैं 1.5 किलो की बिरयानी, यानी कि 1.5 किलो चावल की बिरयानी बना रहे हैं। ये हमारी अखली तैयार हो चुकी है, इसमें बॉयल उबाल आ चुका है, अभी जो है चावल ऐड कर रहे हैं। तो हमने हमारा सारा चावल जो है इसमें ऐड कर दिया है। अभी ये देख रहे हैं, ये देखिए, अभी जो है हमने चावल को अखली में मिक्स कर दिया है और अभी ये चावल पक रहे हैं। हाँ, तो अभी जो है बिरयानी को जो है डिश में निकाल रहे हैं ताकि सभी में खाना डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो गोश्त जो है कम्प्लीटली गल चुका है, तो खाने में सलीस होगा। ये रहा हमारा दस्तरखान। तो चलिए, अभी खाना खाने का टाइम है, तो आगे जो है खा के जो है आपको रिव्यू देते हैं कि बिरयानी कैसी बनी है।